वेल गाइस, मानी कैश इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन के आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ। ये एप्लीकेशन कैसा है, रियल है या फेक एप्लीकेशन है, सेफ है या नहीं, आप लोगों को इस एप्लीकेशन पे लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या क्या इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स आता है, क्या आप लोगों को इस एप्लीकेशन पे अप्लाई करना चाहिए, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इसी वीडियो में देने वाला हूँ। आप लोग देख सकते हो 4.8 स्टार रेटिंग्स है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 5K ही डाउनलोड्स हुआ है, तो फ्रेश एप्लीकेशन है गाइस। अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ कि फ़िलहाल इंडिया में टॉप 10 पर्सनल लोन एप्लीकेशंस कौन सी है और आप लोग कैसे डायरेक्ट वन क्लिक में अप्लाई कर सकते हो उन सारी पर्सनल लोन एप्लीकेशंस पर, ठीक है। तो वीडियो लास्ट तक पूरा देखना। अभी गाइस देखो, मानी कैश इंस्टेंट लोन ये जो एप्लीकेशन है, रिक्स एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन की मैं आज आप लोगों को रियलिटी बताऊँगा। यहाँ पर बहुत कुछ लिखा हुआ है इस एप्लीकेशन के बारे में, यहाँ पर जो भी हुआ है ये सारी देख के ही आप लोग इंस्टॉल कर लेते हो और बाद में आप लोग फंस जाते हो। इस एप्लीकेशन पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप लोग फंस सकते हो। अभी देखो, यहाँ पे लोन अमाउंट तो आप लोगों को अप टू 50,000 मिल जाएंगे, 12 मंथ्स के लिए रिपेमेंट पीरियड मिलेंगे और इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पे लो दिखा रहा है, मतलब 22% दिखा रहा है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। आप लोगों को इतना हाई अमाउंट का लोन नहीं मिलेगा, शॉर्ट ही रिपेमेंट पीरियड मिलेगा और आपकी इंटरेस्ट रेट अप टू 30% तक जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो सबसे घटिया चीज़ इस एप्लीकेशन पर है वो है प्रोसेसिंग फीस। यहाँ पर आप लोगों को प्रोसेसिंग फीस देना पड़ेगा अराउंड 1500 के आसपास और ये आप लोगों को एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप लोग प्रोसेसिंग फीस पेमेंट नहीं करोगे तो आपके लोन अप्रूव नहीं होगा और इस प्रोसेसिंग फीस के साथ ही यहाँ पे स्कैम शुरू हो जाता है। लोग प्रोसेसिंग फीस तो पेमेंट कर देते हैं लेकिन उसके बाद भी लोगों का लोन अप्रूव नहीं होता है और ये जो प्रोसेसिंग फीस है गाइस नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। आप लोगों को चाहे लोन मिले या ना मिले, आपको ये प्रोसेसिंग फीस रिफंड नहीं मिलेंगे। और एक चीज़ है जो कि ये एप्लीकेशन करता है, वो आप लोगों से ECS मैंडेट साइन करवाएगा, मैंडेट, ठीक है, आपके आधार OTP से। अगर आप लोग साइन कर देते हो अपनी ECS मैंडेट को तो ये एप्लीकेशन आपकी बैंक अकाउंट से पैसा भी डिडक्ट कर सकता है, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपकी EMI अपने बैंक अकाउंट से कट हो जाएंगे। अभी पकड़ लो, आपने यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ीस पेमेंट कर दिया, आपके लोन अप्रूव हो गया लेकिन आपके अकाउंट पे कोई पैसा नहीं आया, ठीक है, कोई भी पैसा नहीं आया आपके अकाउंट पे और आपसे पैसा कट भी हो रहा है, EMI कट भी हो रहा है, आपको EMI देना भी पड़ रहा है क्योंकि आपने ECS मैंडेट साइन किया है तो आप लोगों को देना भी पड़ रहा है। तो ऐसा वाला कंडीशन आप लोगों के साथ हो सकता है इस एप्लीकेशन पे। तो रिक्स एप्लीकेशन है गाइस, मैं आप लोगों को जो रियलिटी है वही बता रहा हूँ। बाकी अगर आप लोग अप्लाई करना चाहो फिर भी कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करना चाहता। कोई भी इनकम प्रूफ वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें तो ठीक है, ठीक है। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो गाइस टॉप 10 पर्सनल लोन एप्लीकेशंस पे तो क्या करना है, बस आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाना है। डिस्क्रिप्शन में जो भी फर्स्ट लिंक आप लोगों को मिलेगा उस लिंक पर आप लोगों को विजिट करना है, ठीक है। तो आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे टॉप 10 लोन एप्लीकेशंस के बारे में और डायरेक्ट वन क्लिक अप्लाई लिंक्स भी आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। अभी गाइस आज की वीडियो में मुझे बस इतना ही बताना था मानी कैश इंस्टेंट लोन एप्लीकेशंस के बारे में। आप लोग क्या सोचते हो कमेंट पे ज़रूर बताना, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये एप्लीकेशन। आप लोगों की क्या एक्सपीरियंस है ज़रूर शेयर करना। तो गाइस बस इतना ही था आज की वीडियो में, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू गाइस।